सिद्धार्थनगर जिले में बूढ़ी राप्ती नदी से सटे खैरी सीतल गांव के ग्रामीणों को बरसात आने पर बाढ़ का भय सताने लगता है, जिसे ग्रामीण बरसात के दिनों में भय से जीते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन इन पर ध्यान नहीं देता दिख रहा है। ये वही गांव है जहां 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ आने पर इस गांव का दौरा मोटर बोट से किया था। मुख्यमंत्री के आदेश का आज तक इस गांव में पालन नहीं किया गया है, जिसमें बाढ़ से बचाव के लिए पत्थर के ठोकर लगाने की बात कही गई थी, जिसमें 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार इस तरफ देखने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। अब आखिर देखने की बात यह है, इन गाँव वालों को बाढ़ से निजात दिलाएगा कौन? ये तो देखने की बात है, जब मुख्यमंत्री के आदेशों को भी जिम्मेदार दरकिनार करते दिख रहे हैं। वहीं इस बारे में जिलाधिकारी संजीव रंजन का कहना है कि जिम्मेदारों को गांव में भेजा जा रहा है और जो बांध को लेकर आवश्यक है वही जल्दी पूरी की जाएगी और गांव को उसे बचाने का प्रयास किया जाएगा। बाढ़ आओ साहब तो बहुत परेशानी हो जाती है जी। खाने पीने का संडास के लिए जी। बाल बच्चन का अपनों सब का बहुत बड़ा परेशानी हो जाती है जी। तो क्या इस बार आपके गांव में कौन सी नदी बहती है? ये बूढ़ी राप्ती है। अच्छा, ये क्या पूरे चारों तरफ से आप लोगों को घेर लेती है? नहीं, पछू तरफ से। अच्छा, हाँ। तो कहीं बाहर बाहर आने जाने के लिए आप लोग कैसे क्या करते हैं? अब भर जाते तो कुल परेशानियां है। अभी यहाँ जोन है 5-6 हाथ पानी उतर रहा था, चारों ओर से भर जाते। कटान की समस्या होती नदी में? ये बहुत तेज कटान हुआ था, वो कोमर पहियन ठोकर होकर कुल जोन हुआ, आधे धारम चला गए कट कर। ये क्या ठोकर होकर इस साल कुछ बनाया गया कि नहीं? कुछ नहीं, कौन इंतजाम नहीं भाई। अशोक साल में इस साल कुछ नहीं, कोई भी ठोकर होकर कुछ बना ही नहीं, कुछ नहीं बना। तो इस बार बाढ़ आएगी, कटान करेगी, तो क्या लगता है क्या होगा? अब काटी गांव गिराई और का हुई, जब कोनो इंतजाम नहीं सरकार करी जी, तो सिवाय बहे के मरे के और क्या सुविधा हुई। 2-3 साल पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, कुछ यहाँ पे आए रहे किहीन गोद मालिहीन, लेकिन एक ठुई है जौन है बालू भर भर आधा भर भर है लगाए जिन नहा वो का कुल बाढ़ में अगले साल जौन है कुल नदी में ढकेल के बह गए। अब वो कोनो पते नहीं है कहूँ कहूँ तनि भरा रोब रह गया है। मतलब जब आए थे तभी जो इंतजाम थोड़ा बहुत किया गया, उसके बाद कुछ नहीं? अब का कहीं अब यह है जौन कहीं ना तो समन्वय है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए अब जौन सरकार कुछ सुविधा दिया जाए हम लोगन का बचता हुआ। पत्थर का लगना चाहिए, पत्थर के पक्की जौन है इस पे जौन है ठोकर लगना चाहिए, तो उसे जौन है साइट है कि जौन है कुछ धारा रुक जाए जी। अभी आलू बालू भरे से कोनो काम नहीं हुई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।